ओमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच देर रात करो या मरो का मुकाबला समाप्त हुआ। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 151 रन का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्रेस हैरिस ने सबसे अधिक 40 रन का योगदान दिया। इस अहम मैच में भारत के लिए रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। करो या मरो के इस मैच में भारत को जीत हासिल करने के लिए 152 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भारत के लिए शुरुआत किया। स्मृति मंधाना 6 रन और शेफाली वर्मा 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। जेम्मा रॉड्रिक्स भी बड़ी पारी नहीं खेल पाई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर 63 रन की साझेदारी की और भारत का स्कोर 110 तक पहुंचा दिया। दीप्ति शर्मा 29 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गई। अब यहां से भारत को इस मैच को जीतने के लिए 25 गेंद पर 42 रन की जरूरत थी। हरमनप्रीत कौर 47 गेंद पर 54 रन की पारी खेलकर अंत तक नाबाद रही, लेकिन भारत को इस मैच में जीत नहीं दिला सकी। भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी और इस मैच को 9 रन के अंतर से हार कर T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है।